गुड मॉर्निंग दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों को मेरा प्रणाम। मैं चली 36 फ्लोर यानी कि जिम सोच रही हूँ, फटाफट से अपना वर्कआउट करूँ और झटपट से फिर नीचे। देखो आप ही गए नीचे, काम जो इतना है। मामा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज शॉर्टकट में खाना बनाने जा रही हूँ, बिहारी का आलू बैंगन सेम। मन भी था खाने का, लेकिन क्या है ना कि आज मामा जी का ज़्यादा ख्याल रखना है और काम थोड़ा कम। मेथी और मिर्च के फ़ौरन पे बस खाना बना रही हूँ। इसमें डाला आलू और बैंगन, बस उसको भूना और इधर लहसुन कर रही हूँ रेडी, इधर सेम भी डाल दिया। और अब लहसुन को कूटा और उसमें हल्दी, धनिया, काली मिर्च और थोड़ा सा सरसों पाउडर मिक्स किया, नमक डाल दिया और बस कूटा हुआ लहसुन अदरक, उसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स मिक्स मिक्स, फिर टमाटर कटा हुआ डाल दिया और उसको अच्छे से भून दिया। भूनने के बाद ये देखो कितनी जल्दी बन गया ना सब्जी। बस आज खाने में सब्जी और चावल। पूरे दिन क्या किया, पूरे दिन मामा जी का ख्याल रखा, और ख्याल रखने में बहुत सारा काम होता है यार, स्टीम कराना, गार्गल कराना और ये सब करते करते देखो रात, और रात को मैं मामा जी के लिए बनाने जा रही हूँ कुछ खास। हाँ, सर्दी खांसी में डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो कहता है पीने के लिए, वो बनाने जा रही हूँ सूप। मुझे लग रहा था कि खांसी में टमाटो सूप नहीं देते, इसलिए मैं नहीं देना चाह रही थी, पर डॉक्टर ने कहा दो, तो मैंने टमाटो सूप की तैयारी कर ली। इधर लहसुन अदरक और काली मिर्च, इधर मैंने चॉप कर दिया है अपना टमाटर और ये सारे जो मसाले हैं उसको डाल दिया, और उसमें डाल रही हूँ पानी। सबको आता है फिर भी बताऊँगी। फिर थोड़ा हल्दी भी ऐड किया, क्योंकि खांसी में हल्दी वल्दी थोड़ा अच्छा होता है। बस एक बड़ी इलायची का थोड़ा सा दाना लेकर उसमें ऐड कर दिया, और नमक डालने को तो अभी और भी बहुत कुछ डाल सकते, पर तबीयत ख़राब में ज़्यादा मसाला और ये सब पता नहीं चलता ना स्वाद को, इसलिए सादा ही सही रहता है। इधर मैंने सोचा कि खाना भी प्रिपेयर कर लूँ। मैंने बस आज सादा पनीर खाने का सोचा है, नो तामझाम, क्योंकि पूरे दिन तामझाम ही रहा है। डॉक्टर के यहाँ भी गई थी। हाँ हाँ मामा जी ठीक हैं, पर क्या है ना, उम्र है तो प्रिकॉशन ज़्यादा लेना होता है, और ऐसे में डॉक्टर का सजेशन और कहना सब मानना होता है। तो वो सब करते करते मैं आज बस आप लोगों से बहुत कम मिल पाई। कहते हैं ना, जितना ज़रूरत हो पहले उस काम पर ध्यान दो, प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है हर चीज़ को, तो आज प्रायोरिटी में मामा जी थे। बस इधर मैंने एक्सपेरिमेंटल पनीर बनाया है, मैंने आज इसमें सफ़ेद तिल भी डाला, और बस टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज को भूना और इधर डाल दिया मैंने मसाले, वही सूखे मसाले जो 5 होते हैं, और इसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को पीस लिया था वो डाल दिया। बहुत काम चोरी की है मैंने ये सब करने में। मुझे लगा बाकी के दूसरे काम आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो मैं खा लूँगी जैसे तैसे, और बस हल्का सा पानी डालकर उसको भूना ताकि मसाला जले नहीं। मैं कभी भी कुछ भी डाल देती हूँ और इसीलिए कभी कभी वो स्वाद बार बार नहीं क्रिएट कर पाती। बस अब कट किया अपने पनीर को, वो कभी कभी खुराफात चलता है दिमाग में, तो कभी कुछ काटती रहती हूँ। हाँ हाँ शेप सही नहीं आया, अगली बार प्रैक्टिस करूँगी, मैं ट्राई करूँगी ऐसा कि अच्छा कटे। इधर सूप भी रेडी हो गया है, थोड़ा टाइम और है, बस इसको स्ट्रेन करके। Thank you.
तो है डर, लेकिन ये देखना कुछ कुछ मार्क्स हैं जो मुझे अच्छे बुरे वो सब दिन याद दिलाते हैं। ये जो निशान है ये पापा के बीमार पड़ने के टाइम के निशान है। वो इस रूम से निकल कर स्ट्रेचर से ले जाना लाना तो दीवार पे स्क्रैचेस थे। एक टाइम था जब मैं मतलब इन स्क्रैचेस को हटाना नहीं चाहती थी, मुझे लगता था ये पापा की आखिरी निशानी है, लेकिन अब लगता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अब हटा देना है। ठीक है, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ों से मैं बहुत जुड़ जाती हूँ, बहुत ऐसे चिपक जाती हूँ, मुझे हटाना है। मुझे पता है कई कई चीज़ें हैं जो मैं रेनोवेशन के बाद भी रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा घर रेनोवेट नहीं करूँगी, किचन सिर्फ करूँगी और बाकी सिर्फ वाइट वॉश करने जा रही हूँ। सो डोंट वरी, नो फिजूल खर्ची, नो फिजूल का यू नो एनर्जी वेस्ट। जितना कम से कम में काम चल जाएगा मैं उतना ही करूँगी। एंड थैंक यू फॉर कंसर्न, मुझे पता है आप लोग केयर करते हैं और हेडेक से बचाना चाहते हैं मुझे, इसलिए ये सारा सजेशन दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और यस, आई एम कन्विंस्ड कि जो मॉड्यूलर किचन होता है घर में कम काम होता है और वो आकर फटाफट फिक्स करते हैं, और कारपेंट्री वर्क तो यहीं पर चलता रहता है। लेकिन मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है दो मॉड्यूलर किचन का, मतलब एक आया वो आधा काम करके भाग गया था, मतलब एक तो पैसे लेकर ही भाग गया, काम ही नहीं किया था, और दूसरा अधूरा काम छोड़ कर गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डरती हूँ। और बाकी मैं इतनी जल्दी डिसीजन तक नहीं पहुँची हूँ, सो हो सकता है कि मैं आप लोगों के डिसीजन के साथ जाऊँ, गॉड नोस। लेकिन ये जो टीम है वो ऑफकोर्स मेरे घर का वाइट वॉश और जो काम है घर के अंदर वो तो वो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद देम। बहुत ज़रूरी है कि घर में बहुत ज़रूरी है कि घर में जो लोग काम करने आए उनके साथ हम कम्फर्टेबल हों। मैं शायद बाहर शिफ्ट ना हूँ, मैं इस घर में रहकर ही काम करूँगी, मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि स्मूथ जर्नी होगी ये, और स्मूथ जर्नी तभी हो सकती है जब वैसे वैसे बंदे आपके साथ काम कर रहे हों। सो एनीवेज, किसी ने पूछा था कि क्या मैं नया घर ले रही हूँ और कई लोग कंफ्यूज हैं कि वो जो घर का टूर था वो मेरा घर है। नहीं बाबा, मैंने कोई नया घर नहीं खरीदा, मैंने यही घर अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है और इसी को मैं 11 साल के बाद वाइट वॉश और अपना किचन रिनोवेशन करने जा रही हूँ। और मुझे और घर नहीं खरीदना, मुझे ज़मीन खरीदना है, मुझे पेड़ लगाने हैं, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए और उसके लिए मुझे अभी थोड़ा लगेगा। आई एम गोइंग नाउ, ठीक है, कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब खैर, गुड नाइट, लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे गाइस, आप में से कितने लोगों का बर्थडे है प्लीज़ मुझे बताइएगा आज, और मुझे पढ़कर खुशी होगी। मामा जी खाना खाने जा रहे हैं और मैं खाना खा चुकी हूँ। मामा जी खाना खाने जा रहे हैं और मैं खाना खा चुकी हूँ।